हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइज, आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी मेलामेट क्रीम की। ये क्रीम का रिव्यू नहीं, साथ ही इससे जुड़े सवाल जो पूछे जाते हैं मेरे से, उसके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगी। गाइज, ये क्रीम को मोस्टली लोग यूज़ करते हैं स्किन के अलग अलग पर्पज़ के लिए। कोई इसे गोरेपन के लिए यूज़ करता है, कोई इससे पिम्पल्स को हटाने के लिए यूज़ करता है, कोई इससे दाग धब्बे को हटाने के लिए यूज़ करता है। तो इसका एक्चुअल यूज़ क्या है किसी को पता ही नहीं होता है। कब तक यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है किसी को पता ही नहीं रहता है। किसी फ्रेंड ने बोल दिया और यूज़ करना शुरू कर दिया। तो कई लोग क्या है कि यूज ही किए जा रहे और बाद में जाके जो है फेस पर साइड पर देखने को मिलता है, कहीं इसे छोड़ ही नहीं पाते, छोटी स्किन जो है काली पड़ जाती है, फिर से यूज कर लेते हैं। तो गाइज, मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैं ये क्रीम को कैसे यूज़ करना छोड़ूँ, छोटी स्किन जो है काली पड़ जाती है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, स्किन पील होने लगी, स्किन जो है छूटने लगी है, अब क्या करूँ। कई लोग पूछते हैं कि स्किन सेंसिटिव है, क्या मैं यूज़ कर सकता हूँ, क्या यूज़ कर सकती हूँ। कई लोग पूछते हैं कि ये क्रीम को लगा कि मेरी स्किन पर जो है साइड इफेक्ट हो गया है, जो है कैसे ठीक होगा, तो अब मैं क्या करूं। तो कई लोग पूछते हैं कि मेरी शादी होने वाली है, क्या मैं ये क्रीम को यूज़ कर सकती हूं। कई लोग पूछते हैं कि 9-10 साल के बच्चे के ऊपर यूज़ कर सकती है, मेरी बेटी का कलर डार्क है तो क्या मैं यूज़ कर सकती हूं। तो इस टाइप के जो है मोस्टली क्वेश्चन रहते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं ये सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगी, इसको लगाना सही है या नहीं है, एंड कैसे लगाए ताकि साइड इफेक्ट ना हो, एंड इसको छोड़ने के बाद फेस का कलर जो है जैसा है वैसा ही रहे, एंड एक सिंपल सा होम रेमेडी भी आपको बताऊंगी जो आप ये क्रीम को छोड़ने के बाद लगा सकते हो। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल बटन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो के अपडेट आपके पास पहुंच रहे। तो गाइस, मेलामेट क्रीम जो है 15 ग्राम की ट्यूब में आती है, ये आपको 55 या 60 रुपीज़ में ईजिली मिल जाती है। इसमें मेन 3 की इन्ग्रीडियंट का यूज किया गया, एक हाइड्रोक्विनोन, 39 मेमेटासोन, ये सबके बारे में आपको पता ही है ये कैसे काम करता है, साथ ही इसका नुकसान क्या है। मुझे नहीं लगता है कि इसके बारे में डिटेल में बताना पड़ेगा। बेसिकली ये क्रीम का यूज मेलाज्मा के लिए किया जाता है, जो चेहरे पे डार्क डार्क पैचेस बन जाते हैं उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये स्किन को फेयर भी करता है, नो डाउट, एक्ने पिंपल को भी ट्रीट करता है, एजिंग साइन के ऊपर भी काम करता है। तो इसको लगाने से फेस जो है क्लीन एंड क्लियर हो जाती है, बट ये सब टेम्प्रेरी होता है। आई मीन, जब तक इसको आप यूज करोगे तभी तक इसका रिजल्ट जो है दिखता है। जैसे ही आप ये क्रीम को छोड़ दोगे, स्किन जो है वापस से पहले जैसे हो जाती है। तो अगर फिर से कंटिन्यू यूज करते हो, लगातार इसे यूज करते हो, तो आगे जाके स्किन जो है सेंसिटिव हो जाती है, पतली हो जाती है। तो आपको इसे टेम्प्रेरी यूज करना, अगर आपकी शादी होने वाली है, एंगेजमेंट वगैरह होने वाली है, घर में कोई फंक्शन है, तब आप इसे जो है एक महीने पहले यूज कर सकते हो। जैसे फंक्शन वगैरह खत्म हो जाता है तो लगाना जो है बंद कर देना। अच्छा, ये कि खास बात यह है कि इसको लगाना जो है डायरेक्ट बंद नहीं करना है, पहले हफ्ते में जो से एक दिन छोड़ के एक दिन लगाना है, दूसरे हफ्ते में 2 दिन छोड़ के एक दिन लगाना है, ऐसे करके लगाना है। तो ऐसे करके लगाने से आपकी स्किन जो है पहले जैसे एकदम से नहीं दिखेगी, स्किन का कलर जो है बरकरार रहेगा। प्लस ये क्रीम को डायरेक्ट अपने फेस पे नहीं लगाना है, इसको क्या है कि एलोवेरा जेल के साथ डाइल्यूट करके मिक्स करके लगाना है। तो ऐसे करके लगाने से स्किन पर जो है साइड इफेक्ट नहीं होगा, साथ ही स्किन का कलर जो है एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, तो एंड ये क्रीम को जो है 18 के बाद ही यूज कर सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों का स्किन जो है ऑलरेडी सेंसिटिव रहता है, तो उनके ऊपर आप घर का मलाई लगा सकते हो, दूध लगा सकते हो। तो ठीक है, तो अब बात करते हैं जिनकी स्किन पर ऑलरेडी साइड इफेक्ट हो चुका है तो वो क्या करे। तो अपने फेस पर जो है डेली एलोवेरा जेल लगाए, और हफ्ते में 3 से 4 बार कच्चा दूध में हल्दी और एलोवेरा जेल को मिलाकर अपने फेस पर लगाए। ये फेस पैक जो है सब कोई लगा सकता है, मेलामेट क्रीम में लगाते समय भी और इसके छोड़ने के बाद भी। ये पैक जो है आपके स्किन का कलर को इम्प्रूव करेगा, धीरे धीरे दाग धब्बे भी खत्म होंगे। देखिए, क्रीम वगैरह जो है तुरंत रिजल्ट देती है, लेकिन DIY जो है धीरे धीरे रिजल्ट देता है, लेकिन कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। एंड बहुत लोग मेरे से ऐसे पूछते हैं कि मैम, ये क्रीम को छोड़ने के बाद मैं क्या लगाऊं। फेस पैक को तो आपको लगानी है, साथ ही बहुत सारी आयुर्वेदिक क्रीम आती है जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा, बहुत सारी क्रीम का मैंने रिव्यू किया हुआ है। सो गाइज, आई होप मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे, अगर फिर भी आपके कुछ डाउट्स रह गए हैं तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो गाइज, आज के लिए इतना ही, आई होप आपको मेरी रिव्यू से कुछ हेल्प मिली हो, मेरी रिव्यू अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड फैमिली साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।